हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि किस लोग उत्पाद ए को, 26 लोग उत्पाद बी को, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी और 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। केवल सी को पसंद करने वालों की बात करनी है। सी में यदि ए बी का कॉमन है तो भी हटाना है और कोई अलग पार्ट कॉमन है, यानी कि केवल सी की बात करते हैं। सी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं। सबसे तो एन पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, यानी 21 लोग किसके उत्पाद ए के, 26 लोग उत्पाद बी, तो एन बी कितना हो जाएगा 26 लोग, 29 लोग उत्पाद सी, तो एन सी कितना हो जाएगा 29। यदि 14 लोग उत्पाद ए को, ए तथा बी को, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 14 लोग, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए को, तो एन सी इंटरसेक्शन ए कितना है 12 लोग, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी को, तो एन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14 लोग, और 8 लोग तीनों ही, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी को कितने 8 लोग, तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने केवल उत्पाद। ऐसे सवाल हम फॉर्मूले की बजाय अगर वेन डायग्राम से करें तो बहुत इजी बनते हैं, तो हम इसको वेन डायग्राम से बात करते हैं। देखिए पहले हम बनाते हैं वेन डायग्राम। अब इसमें जो जो हमें दे रखा है उसको नोट डाउन पे, पहले ए बी सी तीन सेट बनाते हैं। ये सेट हमारे पास आया ए का, ये सेट बनाती हूँ मैं अगला बी का। अब आगे बात करते हैं, अगला सेट हमारे किसका आएगा सी का, तो ये बनाया मैंने सी के लिए। अब जो जो दे रखा है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जो पोर्शन कॉमन होगा उस कॉमन पोर्शन की बात करेंगे। कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल कितना 8, तो ए बी सी तीनों में कॉमन कितना है 8। उसके बाद में बी इंटरसेक्शन सी कितना है, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14, यानी ये टोटल पोर्शन हमारे पास कितना आना चाहिए 14। 14 में से 8 इधर जा चुका तो कितना बचेगा शेष 6 आया। C इंटरसेक्शन A, C और A के इंटरसेक्शन में टोटल कितना है 12, 12 में से 8 आ चुका तो शेष कितना बचा 6 आया। वैसे तो मुझे इन सबको लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें तो केवल क्या पूछा है कितने लोग के उत्पाद C को, तो उत्पाद C यानी NC का देख लेते हैं। NC की जो वैल्यू हमारे पास, NC की जैसे 29 29 है, यानी 29 में से 8 6 4 घटा देंगे, शेष जो बचेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे, तो हम बता देंगे केवल। तो ये बी और ए वाले को तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हम आपको लिख के दिखा देते हैं किस तरीके से क्या होगा। तो देखिए इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 14, टोटल 14 है, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में 8 यहाँ आ चुका तो शेष कितना बचेगा 6, ये आ गया 6 आ गया। अब देखिए सी, सी कितना है 29 29, तो ये देखो सी वाला पोर्शन 6 और 4 10, 10 और 8 18 आ चुका, और आपको लेने कितने हैं 29, तो 29 माइनस 18 करूंगी तो मेरे पास कितने बच जाएंगे 11, और बी कितना हमारे पास 26, यहाँ कितने 6 8 और 6 20 तो यहाँ हो गया 6 6 12, 12 और 8 20 20 टोटल कितना है 26, या 26 में से 20 गया तो कितना बचेगा 6। अब ए की बात करूँ, ए कितना है टोटल 21, तो अगर मैं बात करूँ तो 6 और 4 10, 10 और 8 18 21 माइनस 18 करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3, ये तो आ गया
अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले, तो हम नोट डाउन करेंगे। केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले, केवल सी की बात करें तो देखो, जब ये वाला पोर्शन लूंगी सी वाला, तो इसमें देखो 6, 8, 4, तो ये देखो बी का भी ए का भी कॉमन, केवल सी की बात करते तो सी वाला केवल ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला, तो कितने 11 है, तो केवल सी को पसंद करने वाले 11 है लोग। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि केवल ए को पसंद करने वालों की अगर बात करें तो आप कितना बताओगे? ऑब्वियसली ए को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे? 3। और बी को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे? 6। तो आप एक अलग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि केवल ए और बी को, केवल ए को पसंद करने वाले, केवल बी को पसंद करने वालों की संख्या क्या होगी? हमें तो केवल इस क्वेश्चन में तो पूछा केवल सी को पसंद करने वाले, तो सी को पसंद करने वाले कितने होंगे? 11 लोग। ओके?